अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम पकाने जा रहे हैं पंजाबी सिवैया। इसके लिए आप एक कढ़ाई लें और कढ़ाई में सिवैयाओं को डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लें, और इसके साथ आप एक पतीले में पानी लें और उसको उबालने के लिए रख दें। जब तक ये फ्राई सिवैयाँ फ्राई होंगी तो पानी में उबाल आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमें चीनी और कुछ कड़वम कुछ चाहिए और देसी घी चाहिए, और बहुत ही आसान तरीके है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सेम उसी तरीके से आप भी पकाएं और घर में ट्राई करें। पानी को उबालने के लिए रख दें और जब इसमें उबाल आए तो हमने सिवैयों में मिक्स कर दिया। इसको पानी में उबाल आ चुका है और अभी हमने पानी मिलाना है सिवैयों में, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने उबालना है, और इसका कलर आपको वाजिया हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मतलब ये भी पक गए हैं। तो फिर हमने इसको स्ट्रेनर में निकाल देना है, पानी को छानना है, पानी को अलग कर देना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको आपने उबालना है। तकरीबन 5 मिनट इसकी पूरी हो गए हैं, अभी आप चेक कर लें, ये भी फुल पकी हुई है। और अभी हमने इसको छान में पानी इसका अलग कर देना है, सही है। और फिर इसी कढ़ाई में आगे हमने इसको फ्राई करना है, सही है। ये पानी हमने हटा दिया है। 1.5 चम्मच देसी घी लेना है और थोड़ा सा और ऑयल मिला देना है, थोड़ा सा, मतलब कि सिर्फ उसमें ऑयल हो। और उसके बाद उसके अंदर कर्डमम डाल दें, जब ये मेल्ट हो जाए तो कर्डमम डाल दें, सही है। और जब कड़मम डाल के तो कड़मम फ्राई हो जाए, कड़मम डाल दिए अभी, जैसे ही फ्राई होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जब आपने सिवैयाँ डालनी है तो फौरन ही हमने गैस को बंद कर देना है, सही है। गैस को उसी टाइम बंद करके सिर्फ इसको मिक्स कर देना है और फिर उसको किसी प्लेट में निकाल के तो चीनी डाल दी ऊपर से, बस। तो फिर तैयार हो गई हमारी सिवैयाँ। ये है पंजाब की स्पेशल सिवैयाँ जो मेरा एक दोस्त लेके आया था, और उसकी ख्वाहिश पे ये हम बना रहे हैं। बस ये अभी रेडी है, अभी हमने इसको बर्तन में डालना है। तो फिर इसके ऊपर हमने चीनी सिर्फ डालनी है, ठीक है। ये देखो, अब हमने चीनी डाल दी है, बस इसके ऊपर और डालने, और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी और डाल दें, और ये बहुत ही मज़े की बनाई बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये आज की वीडियो थी। और अगर मेरे चैनल पे कोई नया व्यूअर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में स्पेशल हमें याद रखें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।